नमस्कार, स्वागत है आप सभी का K2S न्यूज चैनल में। मैं हूं लक्ष्मीकांत शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र में अभिनव राजस्थान पार्टी द्वारा चल रहे प्रचार कार्य के दौरान लोगों का जमकर समर्थन मिल रहा है। ग्रामीणों से हो रहा है संवाद, आइए देखते हैं एक ग्रामीण से हुए संवाद को। और ते को हर पार साथ दूंगा जी जी, और कोई माई को लाल रोके कौन चौड़ा मा जाऊं जी जी है ना। पर भाई किसान को अभी तो टाइम आयो और अभी सो खाद को गायब कर दी सही जगह कहीं माचो जाएगा कहीं खाएंगा हम और तू कहीं जाएंगा भाई। ये सेठ बाबा ने कहा इनको साहूकार कहीं से करेंगे या बाप भेज दो नेट पे। बिल्कुल बिल्कुल भेज दूंगा किसान का भेज दो। बिल्कुल भाई किसान एक एक बार उतर सरो एक दाना और एक मेरा निवेदन अब मेरा निवेदन किसान की सुनवा रहा है कि मेरा निवेदन सुन रहा आप। मैंने इस काम पे गंगापुर का पूरे के पूरा प्लान लिखा है। अच्छा, अगले पाँच साल में क्या करेंगे किसी ने नहीं बताया हुआ आज तक। वोट तो मानने आया होगा पर किसी ने ये नहीं बताया मैं ये करूँगा। आप इसको पढ़ना, आपको जब लगेगा इसमें किसान की भी बात लिखी है उन्होंने सोचा है तो आप खुद कह दोगे यार मुझे इसको वोट देना चाहिए देना चाहिए। वोट दुआऊंगा बेताजा आप करना पढ़ना वोट दुआऊंगा। अच्छा करना चाह रहा हूँ मैं मिल जो है ना तो को मुसलमान में सपोर्ट दुआऊं जी जी तो को गुजर में सपोर्ट। आप तो इसको पढ़ के और संतुष्ट होकर आप जो ने यार एक बार जिंदा उगाड़ दी। वंदे मातरम वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वसुंधरा राजे से प्रचार कार्य के दौरान राजस्थान की महिलाओं ने उनके मुंह पर कह दिया कि आपने हमारे लाडले बेटों को एक रोजगार नहीं दिया, अब किस मुंह से वोट मांगने आई हो। यह सुनते ही वसुंधरा राजे वहां से चलती बनी। आइए देखते हैं महिलाओं का संवाद। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में महंगाई के दौर में प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना गरीबों को नहीं आई रास। क्षेत्र की महिलाएं आज भी चूल्हे पर खाना बनाने को है मजबूर, क्योंकि रसोई गैस की कीमतें भी इतनी बड़ी हुई है कि गरीब खरीद ही नहीं पाएगा। जंगलों से लकड़ियां काटकर अपने घरों का चूल्हा जलाती है। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। गंगापुर सिटी में आंगनवाड़ी महिलाओं द्वारा मतदान जागरूकता अभियान के तहत मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। सवाईमाधोपुर जिले में माली समाज के तत्वाधान से युवक युवती परिचय सम्मेलन निजी मैरिज गार्डन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ महात्मा ज्योतिबा फूले व सावित्री बाई फूले की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। माली समाज के जिला प्रवक्ता राजेश सैनी के अनुसार विवाह योग्य युवक व युवतियों के निर्धारित प्रपत्र भरे गए। आइए देखते हैं कार्यक्रम की एक झलक। जिला कार्यकारिणी द्वारा विवाह सम्मेलन में करवाया जाएगा और उसका जो शुल्क होगा वो जिला कार्यकारिणी वहन करेगी। यह है सावित्री बाई फुले कन्यादान योजना। आपका 23 पे सम्मेलन है छात्रावास में जिला कार्यकारिणी द्वारा चलाई जा रही है। आपको इन योजना के बारे में पता होना चाहिए और इनका बराबर आप प्रचार प्रसार करते रहिए, मगर समाज में थोड़ी जागरूकता करनी चाहिए। लेकिन कमरे की चुप नहीं है और समाज में उनके मन में कुछ न कुछ करने की योजना हमेशा से चलती रहती। उन्होंने इसी कड़ी को बढ़ाते हुए कुछ युवक अपने समाज के पास 7-8 युवक नीम चौकी में से लिए और एक सामूहिक चुनाव सम्मेलन रोक दिया जो सामाजिक चुनाव हुए थे। ये थी आज की ताजा खबरें। ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।